Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET, Commerce and Management. So, आज हम बात करने वाले हैं कुछ important topic से जो Research Aptitude topic for paper 1 से related है. इसमें हम आज तीन topic के बारे में बात करेंगे, that is referencing styles, application of ICT, that is information and communication technology and post-positivism. So, ये तीन ऐसे topic हैं जो add हुए हैं आपके नए syllabus में और इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है कहीं पे भी किसी भी बुक में. सो मैंने सोचा कि इन टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपको हेल्प करूं ताकि आप इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप उसे बहुत आसानी से कर सकें. सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेफरेंसिंग स्टाइल के अंदर वो है साइटेशन. सो साइटेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? साइटेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी के भी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपने रिसर्च वर्क में, जैसे आपने कुछ पुराना लिटरेचर रिव्यू किया और अब आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, सो आपको उसका प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ता है लोगों को. अगर आप उनको प्रॉपर क्रेडिट नहीं देते हैं सो आप प्लेगरिज्म में फंस सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइट करना चीज़ों को. अब जब हम साइटेशन देते हैं किसी के काम को रिकग्नाइज करते हैं या फिर क्रेडिट देते हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू गो फॉर इनटेक्स्ट साइटेशन, डैट इज़ आप अपने लिटरेचर रिव्यू वाले पोर्शन में उसके दिए हुए चीज़ों को या उसके कहीं भी बातों को पैराफ्रेज करके समराइज करके बता दें. और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप लास्ट में रेफरेंस सेक्शन में उसे साइट करें. सो रेफरेंस लिस्ट में भी आप उसे साइट कर सकते हैं. सो ये दो तरीके होते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल के या फिर साइटेशन के. अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साइटेशन है वो काफ़ी सारे तरीके की होती है, जैसे कि APA स्टाइल एंड शिकागो स्टाइल एंड मेनी अदर स्टाइल्स. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन साइटेशन स्टाइल के बारे में समझें. सो शुरू करते हैं पहले साइटेशन स्टाइल से, डैट इज APA. सो APA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. सो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज रेफरेंसिंग स्टाइल है जो कि आप अपने रिसर्च पेपर फॉर्मेट्स में यूज़ करते हैं. हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस रेफरेंस स्टाइल में, रादर हमें इनके फुल फॉर्म्स और इनका बेसिक्स से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है. सो अब देखते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के बारे में. सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1929 और ये यूज़ किन किन चीज़ों में होता है, डेट इज़ एजुकेशन, साइंसेज एंड साइकोलॉजी. सो इन तीन एरियाज में सबसे ज़्यादा APA स्टाइल का यूज़ किया जाता है. एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके फॉर्मेट का एग्जाम्पल क्या है. सो ये एग्जाम्पल मैंने एक लिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे एडम्स, RB एंड फरेरा डी, ये आपके ऑथर्स के नाम हो गए. 2009 हो गया ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च पेपर. वुमेन इन द बोर्ड रूम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस, ये हो गया आपका पेपर का टाइटल जो भी आपने रिसर्च पेपर लिखा है. जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये जर्नल का नाम है. तो हम फॉर्मेट देख रहे हैं, ये 94x2 में 94 जो है ये उसका वॉल्यूम है कि कौन सा वॉल्यूम है उस जर्नल का, एंड 2 उसका इशू है कि इज इट अ फर्स्ट इशू, इज इट अ सेकेंड इशू. जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे जर्नल के चार चार इशूज भी आते हैं, तो ये कॉलम इशू बताता है और ये कॉलम वॉल्यूम बताता है. एंड ये जो लास्ट में आप देख सकते हैं 291 से 309, ये हमें बताता है कि उसके पेज नंबर क्या है. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी आप रिसर्च पेपर यूज कर रहे हैं उसको आपको प्रॉपरली साइट करना कितना जरूरी हो जाता है. आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टाइल की तरफ, रेफरेंसिंग स्टाइल, दैट इज MLA स्टाइल. MLA स्टाइल का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. सो ये स्टाइल ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज सेक्शन में यूज होती है या फिर आप कह सकते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में यूज होती है और ये USA में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है. अब यहाँ पे दोबारा सेम एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कि कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडम्स, रेने, बी, डैनियल, फेरेरा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ वहाँ हमने सिर्फ इनिशियल्स यूज किए थे, यहाँ हम इनके फुल नेम का यूज कर रहे हैं. तो ये एक पहला चेंज है MLA स्टाइल में. टाइटल का नाम सेम रहेगा, ये हो गया टाइटल. देन आप देख सकते हैं जर्नल का नाम, एंड देन आप अगेन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन 94.2 करी गई है, ना कि 94 ब्रैकेट 2 जो कि APA स्टाइल का एग्जांपल था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस आते जाएंगे जैसे जैसे हम स्टाइल्स को पढ़ते जाएंगे. एंड फाइनली 2009 ईयर ऑफ पब्लिकेशन है जो कि अगेन चेंज है यहाँ पे, एंड 291 से 309 इज द पेज नंबर. सो आप देख सकते हैं कि MLA स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आ गया है. नेक्स्ट देखते हैं स्टाइल, शिकागो स्टाइल. ये भी बहुत ही फेमस स्टाइल है और ये अमेरिकन इंग्लिश के जर्नल्स में ज़्यादातर यूज की जाती है और इट वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1906 बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस. सो अगेन ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक स्टाइल का रेफरेंस है. तो जैसे जैसे आप जिस भी जर्नल में पब्लिकेशंस कर रहे हैं उसमें जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हिसाब से आप पब्लिकेशंस के हिसाब से रेफरेंसिंग किया करेंगे. दोबारा सेम एग्जाम्पल हमने लिया है एडम्स, रेने, फरेरा का, देख सकते हैं आप यहाँ पे अगेन MLA स्टाइल की तरह पूरे के पूरे नेम्स यूज किए गए हैं.
ये रहा हमारा टाइटल ऑफ द पेपर, ये रहा जर्नल का नाम 94 नंबर 2, अगेन यहाँ पे पैटर्न में चेंज है, 94 इज द फ्रीक्वेंसी या आप कह सकते हैं वॉल्यूम, एंड नंबर 2 को ऐसे लिखा गया है जो कि हमारा इशू है, एंड देन अगेन 209 इज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एंड ये रहा पेज नंबर। सो आप देख सकते हैं कि काफी थोड़े थोड़े चेंजेस हैं सारे की सारी रेफरेंसिंग स्टाइल में। सो हमें बस बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल है, ताकि अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो हम उसे आइडेंटी कर पाए। आगे चलते हैं लास्ट रेफरेंसिंग स्टाइल के ऊपर, दैट इज हॉवर्ड स्टाइल। सो अगेन दिस इज वेरी सिमिलर टू एपीए स्टाइल, जैसे कि हम देख सकते हैं, एंड इट इज यूज मेजरली इन यूएसए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ये यूज किया जाता है ह्यूमैनिटीज के सेक्शन में। तो अभी हमने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग जो स्टाइल्स हैं उनका अलग अलग यूज है अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में। सो आप ज्यादातर देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज स्टाइल है दैट इज एपीए, दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सो इसके बारे में आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोबारा एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, एडम्स आर बी एंड फेरारा डी। सो अगेन हमने देखा कि जैसे कि लिखा हुआ था कि ये एपीए स्टाइल जैसा है, सो अगेन इसमें हमने फुल नेम ना लिखकर इनिशियल्स लिखे हैं। जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो भी जस्ट ऑथर्स के नाम के बाद आ रहा है। देन टाइटल हो गया हमारा, हमारा जर्नल का नाम हो गया। देन अगेन ये जो फॉर्मेट है ये मेजरली फॉर्मेट एपीए से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। सो आप ये देख सकते हैं कि जो हॉवर्ड स्टाइल है और एपीए स्टाइल है ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और जो एमएलए स्टाइल है और जो शिकागो स्टाइल है ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सो चार डिफरेंसिंग स्टाइल के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज क्या एप्लीकेशन है इन्फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की रिसर्च में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बट इसे कवर करेंगे बहुत अच्छे से, बिकॉज नया टॉपिक है, सो क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा एनालिसिस करने से पहले कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप देखें कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, आप रिसर्च पेपर्स को सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर आपको थीसिस खोजनी है, उनकी अवेलेबिलिटी देखनी है, तो भी आप आईसीटी का यूज़ करते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स, अगर आप डेटा सर्च कर रहे हैं, डेटा एनालाइज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा डेटा सर्च कर रहे हैं, वहाँ भी आपको आईसीटी का यूज़ करना पड़ता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट्स भी दी हैं, डेट इज़ surveygizmo.com, surveymonkey.com, ये सब कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी आपके रिसर्च वर्क में। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस, कि आप डेटा एनालिसिस अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज़ होगा। क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वालिटेटिव डेटा वो होता है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, बट ऑर्डिनल फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, जैसे कि रैंकिंग। वेयर एज क्वान्टिटेटिव डेटा वो होता है जो प्रॉपर न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि नंबर्स। तो ये हमारा क्वान्टिटेटिव डेटा हो जाएगा। इसके लिए हम काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ करते हैं, इसमें हम काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा SPSS, Strata, R, ये सारे सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। सो अगेन हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। सो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी पोस्ट डेटा एनालिसिस। सो हमने पहले प्री डेटा एनालिसिस कर लिया, फिर हमने ड्यूरिंग द डेटा एनालिसिस कर लिया, या फिर कह सकते हैं कि डेटा एनालिसिस, और अब हम पोस्ट डेटा एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। सो पोस्ट डेटा भी हमने डिस्कस किया था कि रेफरेंसेज जो हमें मार्क करने होते हैं या जो बिब्लियोग्राफी सेक्शन होता है, अगेन इसकी कंपाइलेशन के लिए आप कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामरली, ये देखने के लिए कि आपने कुछ ग्रामेटिकल एरर नहीं किए हैं। अगेन आप कुछ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। सो ये सॉफ्टवेयर मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आप अब रिसर्च जब करें तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिशन के लिए अगेन आप वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आईसीटी का रोल है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बताते हैं कि कितना ज़्यादा आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं इन आर रिसर्च वर्क। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अगर बात करें सर्च इंजिन्स की, जैसे कि हम गूगल, याहू, बिंग, ये सब यूज़ करते हैं, सो अगेन इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रिसर्च में भी। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि अगर आप रिसर्च पेपर सर्च करना चाहते हैं तो आप उसमें सर्च इंजिन का यूज़ करेंगे जहाँ पे आईसीटी का रोल आ रहा है। देन आप कुछ वेबसाइट्स यूज़ करते हैं जहाँ पे आप अपनी इंडेक्सिंग करते हैं रिसर्च पेपर्स की, जैसे कि गूगल स्कॉलर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अकेडमिक रिसर्च हो गया, रिसर्च गेट बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक दूसरे रिसर्चर्स से जुड़ सकते हैं। और देन कुछ और सर्च इंजिन हैं जो एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शोध गंगा, शोध सिंधु एज वेल एज शोध गंगोत्री। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर इन तीनों वेबसाइट्स के नाम या फिर सर्च इंजिन के नाम आप कह सकते हैं रिवर्स के नाम पे रखे गए हैं, और ये इसलिए है बिकॉज ऑल दीज थ्री आर अ फॉर्म ऑफ रिजर्वॉयर्स।
रिजर्वॉयर्स हैं या आप कह सकते हैं डिपॉजिटरीज हैं, जहां आपको काफी ज्यादा एजुकेशन और रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर डेटा मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं शोध गंगा। शोध गंगा एक वेबसाइट है जहां पे आपको सारी इंडियन थीसिस मिल जाएंगी या फिर कह सकते हैं कि मैक्सिमम मिल जाएंगी। ये एक इनिशिएटिव था गुजरात का जहां पे उन्होंने ये कहा था कि जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर डिसर्टेशन या फिर थीसिस सबमिट हो रही है फॉर पीएचडी और एमफिल, उसे आप इस वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। इसके दो एडवांटेजेस होंगे, पहला कि जो प्लेगरिज्म होता है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क में उससे बच सकेंगे हम, और सेकंड जो अपकमिंग बडिंग रिसर्चर्स हैं अगर उनको कुछ रीसेंट थीसिस एंड डिसर्टेशन देखनी है तो वो भी इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक एज अ सैम्पल काम करेगा आने वाले रिसर्चर्स के लिए, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। सेकेंड जो हमने रिजर्वर की बात करी थी वो था ई शोध सिंधु। तो ये जो शोध सिंधु है ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल ई रिसोर्सेज के लिए काम आता है, जैसे कि अगर आप वहाँ से कुछ जर्नल्स के बारे में पता करना चाहते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता करना चाहते हैं या कोई और डेटाबेस लेना चाहते हैं तो आप ई सिंधु की वेबसाइट पे, शोध सिंधु की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं, और ये ज़्यादातर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से फंड किया गया है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आगे चलते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ, दैट इज शोध गंगोत्री। तो शोध गंगोत्री अगेन एक वेबसाइट है जहां पे आपको रिसर्च प्रपोजल्स मिल जाते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो बडिंग रिसर्चर्स हैं अगर वो कुछ सैंपल्स देखना चाहते हैं तो वो इस वेबसाइट पे जाके रिसर्च प्रपोजल्स अपने रिलेटेड टॉपिक से देख सकते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। अब मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हमने कुछ रिसर्च फिलॉसफीज के बारे में बात करी थी जहां हमने पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ा था। सो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। पॉजिटिविज्म थ्योरी ये होती है कि वो ये कहती है कि एनी पर्सन हु गोज इन द वर्ल्ड, वो कोई भी इंसान अगर वर्ल्ड में जाके कुछ नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स करता है, नेचुरल एप्लीकेशंस करता है और इंक्वायरी करने की कोशिश करता है तो जो उसको एलिमेंट या फिर जो उसका कंक्लूजन होगा वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और रियलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। That is, उसमें उसका कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होगी और सारे के सारे जो रिसर्चर्स हैं अगर वो कोई भी नेचुरल एक्सपेरिमेंट करके आते हैं तो उनको सेम या फिर कॉमन रिजल्ट मिलेगा। टू टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी रिसर्चर जाता है और वो लॉ ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करता है तो उसे सेम ही एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन मिलेगा, दैट इज वॉट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड वॉट इज द मास ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो कॉमन निकल के आएंगी। और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पॉजिटिविज्म थ्योरी थी वो ऑगस्टे कॉम्टे ने दी थी, तो ये एक बार आप एक नाम भी याद कर सकते हैं कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने पॉजिटिविज्म थ्योरी दी थी और उन्होंने कुछ 5 प्रिंसिपल्स दिए थे जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनका पहला प्रिंसिपल जो था वो था फेनोमेनलिज्म, जिसका मतलब ये था कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आप अगर उसको अपनी सेंसेस से या फिर अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से कंफर्म करते हैं तो ही उसे नॉलेज माना जाएगा। जब तक उनको आप अपने सेंसेस से कंफर्म नहीं करते हम उसे नॉलेज नहीं कह सकते। ये फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकेंड प्रिंसिपल था डिडक्टिविज्म। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये डिडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड है, जिसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास थ्योरी बनी हुई है, जो भी आपकी थ्योरीज है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप उसको हाइपोथेसिस से टेस्ट नहीं करते हैं तो उसे हम सही नहीं मानेंगे या फिर हम उसे लॉज नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ता है। थर्ड जो उसका प्रिंसिपल था दैट वाज इंडक्टिविज्म। वो ये कह रहा था कि जो भी फैक्ट्स आपको मिलते जा रहे हैं, जो भी कंक्लूजंस मिलते जा रहे हैं, आप उसके बेसिस पे लॉज एंड नॉलेज को फ्रेम आउट करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिडक्टिविज्म अप्रोच है या फिर जो इंडक्टिविज्म अप्रोच है ये क्लियरली डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात कर रहा है। जहाँ पे हम डिडक्टिव रीजनिंग में बात करते हैं दैट हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ पढ़ते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स टू स्पेसिफिक। तो जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनरल स्टेटमेंट्स हमारे पास थ्योरीज हैं और उनके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बना के उसे टेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम इंडक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक्स से जनरल की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज हमें कुछ स्टेटमेंट्स पता हैं और हम उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे लॉज को फ्रेम आउट कर रहे हैं। सो हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्लासिक एग्जाम्पल हैं इंडक्टिविज्म और डिडक्टिविज्म, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के। सो आई एम श्योर कि आपको इससे याद भी रहेगा और आप इजिली समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविज्म, इसका मतलब ये होता है कि साइंस शुड बी वैल्यू फ्री। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी रिसर्चर की। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है साइंटिफिक स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी रिसर्चेज हैं वो साइंटिफिकली टेस्ट करके प्रूव करने चाहिए। सो ये कुछ 5 प्रिंसिपल्स आप कह सकते हैं जो पॉजिटिविज्म ने दिया था। आगे बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म का फोकस क्या था। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं बताना चाहूंगा कि
जो पॉजिटिविज्म थ्योरी थी वो इस चीज़ पे हाईलाइट करती थी कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उस पर ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं होगा या फिर कोई भी बायसनेस नहीं होगी। जबकि जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच था, पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच था, उनका ये अप्रोच था कि जैसे जैसे आप रिसर्च करेंगे उसके अंदर जो ह्यूमंस की फीलिंग्स हैं, जो उनके परसेप्शंस हैं या जो उनकी पर्सनालिटी है वो उनके एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट ज़रूर करेगी। सो ये एक मेजर एडवोकेसी थी पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस की। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थे वो क्रिटिसाइज इस बेसिस पे कर रहे थे कि जो पॉजिटिविज्म थ्योरी के एडवोकेट्स थे वो ये कहते थे कि कोई भी ह्यूमन एलिमेंट या कोई भी ह्यूमन फैक्टर जो रियलिटी है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थे उनका ये आर्गूमेंट था कि जो भी आप हाइपोथेसिस चेक करते हैं या जो भी आप टेस्ट करते हैं वो रिसर्चर की नॉलेज वैल्यूज के बेसिस पे थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है या फिर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन थी। साथ ही जो पॉजिटिविस्ट थे वो क्वांटिटेटिव मेथड्स पे ही इम्फेसाइज करते थे, जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थे उनका फोकस था कि हमें क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों को देखना चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए। कुछ और डिफरेंसेस समझते हैं। पोस्ट पॉजिटिव बिलीव जरूर करते थे कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो यूज टू बिलीव कि जो रियलिटी है उसको हम परफेक्टली जान नहीं सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर एक्सप्लेन करता हूँ आपको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। तो पॉजिटिविस्ट ये कहते थे कि जो भी चीज़ आप नेचर के बारे में जानना चाहते हैं आप उसको 100% एक्यूरेसी से समझ सकते हैं। जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थे वो ये कहते थे कि आप ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस अगर कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी एनालिसिस कर ले, बट फिर भी जो नेचर है उसमें पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व हो ही जाएगी और सब्जेक्टिविटी आई जाएगी, और जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या जो भी आप एक्सपेरिमेंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं उसमें आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। सो उसमें कुछ ना कुछ इनपरफेक्शंस या आप कह सकते हैं लैक ऑफ परफेक्शन आएगा ही। सो ये मेजर डिफरेंस था बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट के बीच में। साथ ही साथ दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि पॉजिटिविस्ट कहते थे कि कोई भी ह्यूमन एलिमेंट इफेक्ट नहीं कर सकता रिसर्चर्स को, जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थे वो इस चीज़ पर इम्फेसाइज करते थे कि नहीं, जैसे जैसे रिसर्चर इन्वॉल्व होगा वैसे कोई ना कोई बायस इनएविटेबल है, बायस तो आना ही है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है और मैं इस पर अग्री भी करता हूँ कि अगर हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा हमारा पर्सनल टच, पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व हो जाता है। सो दीज वर द थ्री टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए हैं, दैट इज योर रेफरेंसिंग स्टाइल्स, योर एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, एंड थर्ड टॉपिक हमने कवर किया है पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। सो आई होप कि जो तीन टॉपिक हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने हमारे नए चैनल अनुज जिंदल UGC नेट को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जो कि हमने प्योरली नेट से रिलेटेड अपडेट्स आपको देने के लिए बनाया है। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऊपर आई लिंक पे आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो आप अगर हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आई लिंक में अवेलेबल है। सो आप उस पर क्लिक करके हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।